स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सढ़ौरा के रेस्ट हाउस में हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड की आज एक ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता सढ़ौरा आए और इस अवसर पर सढ़ौरा के भी सभी छोटे बड़े व्यापारी वहां पर एकत्र हुए, चाहे वो आड़ती हों या फिर कपड़ा व्यापारी या फिर आयरन मर्चेंट्स या करियाना से जुड़े व्यापारी सभी आज वहाँ पर एकत्रित हुए। उन्होंने अपनी समस्याएं जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने भी उन समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के जिला सदस्य सचदेव चुग की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया। आए हुए अतिथियों का सचदेव चुग और भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन सैनी द्वारा स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि 12 मई को जगाधरी के कान्हा पैलेस में एक जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड द्वारा, और जिसके मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल एवं अम्बाला संसदीय सीट से सांसद रतनलाल कटारिया होंगे। उनके सामने भी व्यापारियों की समस्याएँ रखी जाएंगी। उन्होंने उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सढ़ौरा के सभी व्यापारियों को आमंत्रण दिया। आड़ती एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप वर्मा समेत श्यामलाल इकबाल सिंह एवं अन्य व्यापारियों द्वारा अनेकों समस्याओं से मनोज गुप्ता को अवगत करवाया गया। भाई कोई भी व्यापारी अपनी बात रखना चाहे, कोई और भाई कपड़े वाले व्यक्ति हाँ आप कोई बात हाँ, कोई भी रखो, क्योंकि आप अगर हमारे तक लाओगे तो ही हम भी कैसे रख पाएंगे। नहीं नहीं भाई साहब, ये कोई और व्यापारी पटे बोल रहे हैं सुनो जी, श्याम लाल जी की सुनो। आदरणीय गुप्ता जी, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सढ़ौरा के लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए आए। सरकार हमारी है और हमारी नहीं, शुरू से ही हम सरकार से जुड़े हुए हैं, आज से जुड़े शुरू से, लेकिन यहाँ व्यापार जो है व्यापार आस्ता आस्ता खत्म होता है। व्यापारी छोटा चाहे बड़ा वो कभी सरकार के खिलाफ नहीं किसी प्रकार से, और फिर भी छोटा व्यापारी भी तंग है, बड़ा व्यापारी भी तंग है, क्यों तंग? कई कानून ऐसे बढ़ते हैं वो सोच समझ के तो बनाते होंगे अपनी तरफ से, लेकिन हमें वो नागवार गुजरते हैं। कैसे? अभी लिफाफे की है, पोलोथीन की है, पोलोथीन की मुनादी होती है कि बंद कर दो, नहीं 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा, 4,000 रुपये। छोटा व्यापार है, छोटे व्यापारी है, छोटे दुकानदार, अगर वो लिफाफा नहीं देगा तो सामान नहीं देगा। एक तो ये बहुत भारी समस्या, और दूसरी बात कोरोना काल में जब बंद था उस टाइम में भी जितने चलान हुए वो मुझे तो पता नहीं है, वैसे वो वापस होने चाहिए व्यापारियों के चलान हुए, कुछ वो चलान हुए जी, किसी ने दुकान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी। तो गुप्ता जी आपका स्वागत करते हैं, जानकारी चाहूंगा जी आज किन विषय को लेकर आप जी यहां पर आपने बातचीत की है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब सढ़ौरा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर मेरा सम्मान करने के लिए आए। जी जी जी, आज सढ़ौरा में आने का विषय 12 तारीख को हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का सम्मान समारोह जगाधरी के कान्हा पैलेस में आयोजित किया जा रहा है, तो सब सढ़ौरा वासियों को जो व्यापारी हैं उन सबको आमंत्रित करना मुख्य विषय है। इनकी लोगों की जो समस्याएं हैं वो भी मेरे संज्ञान में आई हैं, तो मैं वो सब अपने चेयरमैन साहब के माध्यम से सरकार तक पहुँचा कर उनको दूर करने का प्रयास करूँगा, यही आज का। तो जो कार्यक्रम का आज आपने निमंत्रण दिया तो वो क्या कार्यक्रम है, थोड़ी सी जानकारी दीजिए, कौन उसमें 12 तारीख को कान्हा उपवन में हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का एक सम्मान समारोह है। जी जी, उसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुज्जर जी, हमारे सांसद रतनलाल कटारिया जी, घनश्याम दास अरोड़ा जी विधायक यमुनानगर, मेयर यमुनानगर मदन चौहान जी व अन्य गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। जी धन्यवाद जी।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन दिनों एनीमिया एल्यूमिनेशन वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों के रक्त की यानी खून की जांच जो है कर रही है और एनीमिया आदि भी चेक कर रही है और कम खून पाए जाने पर उनका उपचार भी वो कर रही है। हेल्थ विभाग की टीम ने बताया कि खून की कमी के कारण से बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को एवं शिक्षकों समेत उनके अभिभावकों को इस बारे में जागरूक किया जाता है कि बच्चों में खून की मात्रा जो है पर्याप्त रहे। ट्राई साइकिल पर जा रहे विकलांग व्यक्ति की लाचारी को समझते हुए आप उसकी मदद कर देते हैं, मगर कुछ समय के पश्चात वही विकलांग व्यक्ति उसी ट्राई साइकिल से उतरकर अगर शराब के ठेके पर खड़ा मिले तो आप अवश्य ही मायूस होंगे कि मैंने किसकी मदद की और किस प्रकार से उस व्यक्ति ने मेरे द्वारा दिए गए कुछ पैसों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया। शराब के ठेके पर खड़े इस व्यक्ति को आप इस वक्त शराब खरीदते हुए देख रहे हैं। यह व्यक्ति सड़ोरे का ही रहने वाला है और सारा दिन ट्राई साइकिल पर ही घूमता है और अपनी विकलांगता का प्रदर्शन करते हुए लोगों से सहानुभूति प्राप्त करके पैसे प्राप्त करता है। लोग भी सहानुभूति प्रकट करते हुए पैसे दे देते हैं कि मजबूर आदमी है, लेकिन वही मजबूर आदमी 2 से 3 बार शराब के ठेके पर पहुंचता है और उन्हीं पैसों की जो है शराब आदि पीता है। तो वास्तव में पैसे देने वालों को काफ़ी मायूसी होती है और वही पैसे वाले जब कहीं उसको जगह देखते हैं कि वही व्यक्ति जब दारू पीकर डांस करता हुआ नज़र आता है तो फिर तो जो उनकी मदद करने वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ही मायूसी होती है कि किस प्रकार से उन्होंने सहानुभूति की थी और उसका रिजल्ट ये है। ऐसे लोगों के इन कृत्यों के कारण से ही लोगों का गरीबों के से विश्वास उड़ता है। लोगों का गरीबों के प्रति विश्वास बना रहे तो ऐसे में मदद मांगने वाले लोगों को भी विचार करना चाहिए और ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। बहरहाल लोगों को ऐसे कृत्यों को नज़रअंदाज करते हुए गरीबों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी आवश्यकता है। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।